मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सह प्रभारी विजय राहतकर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की बुधवार देर रात बैठक हुई। इस बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा फिर से तेज हो गई। सस्ता गैस सिलेंडर के बाद अब राजस्थान की भजनलाल सरकार पेट्रोल के दामों को कम करके प्रदेश की जनता को महंगाई से एक और बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो जल्द ही पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर समीक्षा होगी। कांग्रेस का स्थापना दिवस प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी का ध्वज फहराया गया। पूर्व मंत्री महेश जोशी ने कहा कि जिस तरह हिमालय देश की सीमाओं की रक्षा करती है, कांग्रेस देश में लोकतंत्र की रक्षा कर रही है। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जैसलमेर जिले के शाहगढ़ क्षेत्र में बीएसएफ ने पाकिस्तानी फाल्कन बाज को पकड़ा है। फिलहाल एक रिंग के अलावा बाज से किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जयपुर एयरपोर्ट समेत देश के कई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। इसके बाद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट होगी। इस बीच एयरपोर्ट पर सर्चिंग अभियान जारी है। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पूर्ववर्ती सरकार की रुकी हुई भर्तियों को राजस्थान भाजपा सरकार पूरा करेगी। शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की भी सूची मांगी गई है। देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 702 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना के चलते साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार विजयकांत समेत 6 लोगों की मौत हो गई। चूरू के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर एक निजी बस और कार की भिड़ंत में 6 लोग घायल हो गए। धौलपुर से भी सड़क हादसे की खबर है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास बम ब्लास्ट की घटना के बाद पुष्कर में इजरायली पर्यटकों के प्रमुख धार्मिक स्थल बेत खबाद की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। राजस्थान में सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 31 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी भागों में आगामी 2 से 3 दिन घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।